8.1 का क्वेश्चन 5 है। इसमें दिया हुआ गिवन सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ए बी सी, राइट एंगल डॉट बी, और ये जो एंगल ए को हमने एंगल थीटा माना, यहाँ पे दिया हुआ सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब उसको हम सेकेंट थीटा को हम 13/12 रहने से 13x/12x भी लिख सकते हैं। तो सेकेंट जो है इनवर्स ऑफ कॉस है, तो इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। तो मतलब एंगल थीटा का हाइपोटेन्यूज जो है ये है 13x, एडजेसेंट जो है ये भी है, तो ये 12x हो गया। तो ये हमको बीसी फाइंड आउट करना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर जो है हमारा 13x द होल स्क्वायर है, और ए बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाने से माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 12x, तो ये 12x स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसको एक्सपैंड करने से 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब बी सी स्क्वायर जो है 25 है, तो बी सी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 25, पॉजिटिव वैल्यू भी कल ही लेंगे हम, तो 5 हो जाता है, मतलब 5x हो जाता है। तो ये निकल लिख सकते हैं हम 5x। तो अभी हम ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करना बोले तो सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा जो है ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा का ऑपोजिट जो है 5x है, हाइपोटेन्यूज जो है 13x है, तो इसका मतलब ये निकलता हमें 5/13। कॉस थीटा जो है स्ट्रेट अवे हम लोग जो है सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो 12/13 है। और टैन थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13 वो मिल जाता हमें 5/12। और कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा जो है इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, तो हम डायरेक्टली 13/5 लिख सकते हैं। सेकेंट थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लास्ट वाला जो है कॉट थीटा है कोटेंजेंट, तो वो इनवर्स ऑफ टैन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं 12/5। यही है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखे हैं ए बी सी, राइट एंगल डॉट एंगल सी। सबसे पहला कॉस ए वो क्या है, हम लिखते हैं कॉस ए, एंगल ए का एडजेसेंट साइड वो हो जाता है ए सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो हो जाता है ए बी। सिमिलरली कॉस बी का, एंगल बी का एडजेसेंट साइड जो है बी सी है, हाइपोटेन्यूज जो है ए बी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। दोनों डिनोमिनेटर में ए बी रहने से हम स्ट्रेट अवे ए सी को बी सी से इक्वेट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो ए सी है और ये जो बी सी है, ये दोनों का साइड सेम है। ट्रायंगल के अंदर में साइड्स सेम रहने से उसका जो एंगल्स अपोजिट जो रहता है वो भी सेम रहता है। तो मतलब इस साइड का, बी सी साइड का अपोजिट एंगल जो है ये है, और ए सी साइड का अपोजिट एंगल जो है बी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल इन अ ट्रायंगल, सॉरी और
इक्वल इन ऑन दैट बेसिस हमने प्रूव कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्युएट, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, सेवेंथ क्वेश्चन का, 1 + sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos थीटा का वैल्यू एवेल्युएट हमने करना। सबसे पहला ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, मतलब सॉरी ये जो एक्सप्रेशन, ऊपर वाला देखेंगे तो इट इज लाइक a + b × a - b, स्ट्रेट अवे हमने a² - b² लिख सकते हैं। इवन डिनोमिनेटर भी जो है a + b × a - b की तरह है, तो 1² - cos² थीटा लिख सकते हैं। तो 1 - cos sin² थीटा जो है cos² थीटा हो जाता है, और 1 - cos² थीटा जो है sin² थीटा हो जाता है। तो ये निकलता हमें cot² मतलब ये cos² / sin² जो है cot² थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब 7/8 द होल स्क्वायर हो जाता है। 7² जो है 49 है, 8² जो है 64 है। ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन है। अब अगला पार्ट में जाएंगे, इनमें cot² थीटा ही एवेल्युएट करना। हमने वो पिछला वाला में ही ऑलरेडी एवेल्युएट किया हुआ है, cot² थीटा ही निकला आखिरी में, तो वही आंसर लिखेंगे 49/64। ये सेवेंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8, इफ 3 × cot A = 4, चेक वेदर 1 - tan²A / 1 + tan²A = cos²A - sin²A और नॉट। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं, ए बी सी, राइट एंगल डॉट एंगल बी। तो सबसे पहला थ्री टाइम्स कॉट ए दे रखा है, मतलब 4 बोल करके, इसका मतलब उसमें से हम कॉट ए जो है 4/3 लिख सकते हैं। तो वापस इसको जो है 4x/3x बोल करके भी लिख सकते हैं। तो मतलब कॉट ए जो है एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड होने से, ए का मतलब एंगल ए का एडजेसेंट साइड है ए बी, उसको हम 4x लिख सकते हैं, और ऑपोजिट साइड है एंगल ए का ये जो बी सी है उसको हम 3x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से ab² + bc² हो जाता है। ए बी स्क्वायर जो है 4x² बी सी स्क्वायर जो है 3x² तो ये मिलता है हमें 16x² + 9x², वो निकलता 25 × x². इसका मतलब ए सी जो है √25x² है, वो निकलता 5x, तो इसको हम 5x लिख सकते हैं। अब हम 1 - tan² मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 - tan² a tan जो है cot का इनवर्स है, तो हम स्ट्रेट अवे 3/4 द स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 द स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये निकलता है हमें 1 - 9/16, नीचे वाला जो है 1 + 9/16, न्यूमरेटर जो है 16 - 9 मतलब 7/16 हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है 16 + 9 मतलब 25/16 हो जाता है, अल्टीमेटली निकलता हमें 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में cos² a मतलब हम लिख सकते हैं cos A² - sin A² ए का cos A बोले तो मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे एडजेसेंट है 4x, हाइपोटेन्यूस जो है 5x द होल स्क्वायर, माइनस साइन ए ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट ए का जो है 3x है, तो 3x बाई हाइपोटेन्यूस 5x द होल स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपैंड करने से, डिनोमिनेटर तो 5x द होल स्क्वायर है मतलब 25x² हो जाता है कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ पे 16x² है, यहाँ पे 9x² है, ये मिलता है हमें 7x² / 25x², दोनों में x² रहने से 7/25 हो जाता है। तो मतलब LHS जो है
आरएचएस का इक्वली मिला, मतलब हमने कंक्लूड किया ये दोनों सेम है, मतलब वन माइनस टैन स्क्वायर ए वाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यस ये आंसर जो है क्योंकि ये दोनों सेम निकलता है, यही इसका सोल्यूशन।